बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गैर जनरल टेस्ट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइव रनर्स फेरोज, गौहर, हामिद, इमरान एंड माजिद आर असाइंड टू लेन्स नंबर्ड 1 through 5 ऑन अ ट्रैक। के फाइव जो हैं वो रनर्स हैं और उनको एक ट्रैक पे जो है वो लेन्स में खड़ा किया गया है और वो जो लेन्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5 जो है वो नंबर की गई हैं। ईच रनर हैज़ द ऑप्शन ऑफ वेयरिंग अ नी ब्रेस ड्यूरिंग द कंपटीशन। कि इस कंपटीशन में सभी के पास ऑप्शन है कि वो अपनी नी की प्रोटेक्शन के लिए नी ब्रेस पहन सकते हैं, उनकी मर्जी है, ऑप्शनल है। टू ऑफ द रनर्स आर फ्रॉम लाहौर, टू आर फ्रॉम कराची एंड वन इज फ्रॉम इस्लामाबाद। दो रनर्स लाहौर से हैं, दो कराची से हैं और एक इस्लामाबाद से है। द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट अप्लाई, और इसके बाद जो है वो फॉलोइंग कंडीशंस हैं जो अप्लाई होंगी। इन कंडीशंस को अब हम वन बाय वन व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे पास फाइव रनर्स हैं जिनके नेम्स ये हैं और उनको एक ट्रैक में फाइव लेन्स में खड़ा किया गया है और उन लेन्स के नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हैं और इनके पास ऑप्शन है कि वो नी ब्रेस पहन सकते हैं या नहीं भी पहन सकते। तो और दो रनर्स लाहौर से हैं, दो कराची से हैं और एक इस्लामाबाद से है और फॉलोइंग कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन क्या है, इमरान एंड माजिद आर असाइंड टू फर्स्ट टू लेन्स। कि जो इमरान और माजिद हैं इनको पहली दो जो लेन्स हैं असाइन की जाएंगी, बट नॉट necessarily in that order। कि जरूरी नहीं है कि हमेशा इमरान पहले आए और माजिद लेन टू में आए, बल्कि इनकी जगह आपस में चेंज हो सकती है लेन वन और टू में, लेकिन ये पहली दो लेन्स में आएंगे। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया कि जो फर्स्ट जो लेन है, फर्स्ट और सेकेंड, उसमें इमरान और माजिद आएंगे। इमरान और माजिद, जरूरी नहीं है कि पहले इमरान आए और बाद में माजिद, ऐसा भी हो सकता है कि माजिद आ सकता है इमरान भी, लेकिन पहली जो दो लेन्स हैं उसमें इमरान और माजिद आने चाहिए। सेकंड हमारे पास कंडीशन है, द रनर इन द थर्ड लेन इज फ्रॉम इस्लामाबाद। जो थर्ड लेन में रनर है वो इस्लामाबाद से है। तो ये देखें, थर्ड लेन में जो रनर है वो कहां से है, वो इस्लामाबाद से, प्लस वियर्स नी ब्रेस, और वो जो थर्ड लेन में है वो इस्लामाबाद से है और उसने नी ब्रेस भी पहना हुआ है। तो हम नी ब्रेस का जो है वो नी के लिए के डिनोट कर दिया और ब्रेस के लिए बी कर दिया ताकि हमें आसानी रहे शॉर्टकट्स में। तो ये दो कंडीशंस हो गई। थर्ड कंडीशन है, नीदर रनर फ्रॉम कराची वियर्स द नी ब्रेस। के कराची से जो दो रनर्स हैं उनमें से कोई भी नी ब्रेस नहीं पहनता, तो कराची लिख दिया कराची नी ब्रेस और कोई भी नहीं पहनता। कि कराची से जितने भी हैं, कराची से दो लोग हैं तो दोनों के दोनों नी ब्रेस नहीं पहनते। फोर्थ कंडीशन है, गौहर एंड फिरोज आर असाइंड हायर नंबर्ड लेन्स देन दैट ऑफ हामिद। के गौहर और फिरोज हामिद से हायर्ड नंबर लेन्स में होंगे। कि हामिद अब हायर्ड नंबर कौन सा है, 1, 2, 3। अब 1 लोअर नंबर है, 2 हायर है, 3 भी हायर है। तो इसका मतलब है कि हामिद जो है वो इस साइड पे रहेगा, 8 से हामिद, गौहर और फिरोज लाइन के इस साइड पे रहेंगे। इस साइड पे जैसे जैसे जाते जाएंगे ये हायर नंबर होंगे और इस साइड पे होंगे तो लोअर नंबर होंगे। तो जो गौहर और फिरोज हैं वो हामिद के बाद में आएंगे, हम ऐसे कह सकते हैं कि हामिद के बाद में गौहर और फिरोज आएंगे क्योंकि बाद में हायर नंबर आएगा। फिफ्थ कंडीशन है, नीदर माजिद नॉर फिरोज कम्स फ्रॉम कराची। के ना तो माजिद ना ही फिरोज कराची से, माजिद और फिरोज कराची से नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन है, कंडीशंस हैं। अब इन कंडीशंस की बेस पे हम अपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, वी आर हैविंग अवर फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एक्यूरेट लिस्ट ऑफ रनर्स
इन ऑर्डर्स फ्रॉम लेन 1 to लेन 5, इनमें से कौन सी जो लिस्ट है जो रनर्स की वो एक्यूरेट है, वो ठीक है? तो इनमें से पता ये चलता है कि एक ठीक है, बाकी चार जो है वो गलत हैं। तो एक जो है वो इन सारे रूल्स को कंफर्म करती होगी और बाकी जो चार हैं वो इन रूल्स को, इन कंडीशंस को वायलेट करती होंगी। तो मींस कि हमें इन कंडीशंस को इन ऑप्शंस पे अप्लाई करने की जरूरत है। तो हम अप्लाई करके देख लेते हैं। पहली कंडीशन देखें कि जो पहली और दूसरी लेन है उसमें इमरान और माजिद हों। ज़रूरी नहीं है कि इमरान पहले हो और माजिद बाद में, बल्कि माजिद और इमरान इनकी जगह आपस में चेंज हो सकती है, लेकिन इनकी पोजीशन पहली और दूसरी होनी चाहिए। तो हम अपने ऑप्शंस में से ऐसे ऑप्शन रिमूव कर देंगे जहां पे पहली दो लेन्स में इमरान और माजिद नहीं है। ये देखें, लेन 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो पहली दो में इमरान और माजिद हों, पहली दो में इमरान और माजिद, माजिद नहीं है तो दो में माजिद होना चाहिए, तो ऑप्शन एक कट गया, ये हमारा आंसर नहीं है। इमरान और माजिद बिल्कुल हैं, इमरान और माजिद, माजिद है लेकिन यहां पे इमरान को होना चाहिए था, ये भी हमने काट दी। इमरान और माजिद, ये इनकी जगह आपस में चेंज हो सकती है लेकिन दो दो ही हैं, माजिद और इमरान ये दो ही हैं। तो पहली कंडीशन की वजह से दो ऑप्शन हमारे कट गए। सेकंड पोजीशन क्या है कि थर्ड लेन में इस्लामाबाद से हो, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि इनमें से इस्लामाबाद में से कौन है, तो ये अभी रेलिवेंट नहीं है, इसको छोड़ दें। थर्ड है कराची से दो लोग हैं और दोनों जो है वो नी ब्रेस नहीं पहनते, तो इस कंडीशन का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। फोर्थ कंडीशन क्या है कि हामिद जो है वो गौहर और फेरोज से पहले आना चाहिए, तो ये रेलिवेंट है। तो देखते हैं कि हामिद जो है वो गौहर और फेरोज से पहले आना चाहिए। फेरोज से तो हामिद पहले है लेकिन गौहर के बाद में है, जबकि इसको गौहर से भी इस साइड पे पहले आना चाहिए था, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट गया। इस ऑप्शन में देखें कि हामिद को फेरोज और गौहर दोनों से पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हामिद से तो गौहर पहले है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, तो इसकी वजह से ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा एक ही ऑप्शन बचा ई। अब ई क्योंकि एक ही बचा तो हमारा आंसर कौन सा है, ई ऑप्शन। लेकिन इससे हमें मजीद इंफॉर्मेशन मिलती है, इसका मीनिंग ये है कि ये ऑप्शन ऐसा है जो इनमें से किसी कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो थर्ड लेन में है इस्लामाबाद से है, तो थर्ड लेन में कौन है, थर्ड लेन में हामिद है। अब हमें पता चल गया कि हामिद जो है वो इस्लामाबाद से है, तो हामिद इस्लामाबाद से है प्लस जो इस्लामाबाद से है प्लस उसने नी ब्रेस भी पहना हुआ है, प्लस इसने नी ब्रेस भी पहना हुआ है, ये हमारे पास थोड़ी इजाफी इंफॉर्मेशन आ गई। हमने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को भी नोट डाउन कर लिया कि हामिद जो है वो थर्ड पे आएगा, थर्ड लेन में आएगा और वो इस्लामाबाद से है और वो नी ब्रेस भी पहनता है। तो ये अगले एमसीक्यू सॉल्व करने में ये इंफॉर्मेशन हमारी हेल्प करेगी। लेट्स हैव एन अदर एमसीक्यू। ओके, वी आर हैविंग आवर सेकंड एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, बताएं इनमें से कौन सा एक ठीक हो सकता है। मीन्स के चार इनमें से जो है वो कन्फर्म रॉन्ग है और एक जो है वो ट्रू है, एक ठीक है। तो गौहर रन इन लेन वन, हामिद रन इन लेन टू, इमरान रन इन लेन 3, तो इस तरह से हमने बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें अरेंजमेंट लगाने की जरूरत होती है। हमारे पास रूल्स हैं, हमारे पास नेम्स हैं, ट्रैक्स हैं, हम इजीली जो है वो अरेंजमेंट लगा सकते हैं। लेन वन है हमारे पास, लेन टू है, लेन 3, लेन 4 और 5। देखें लेन 3 में हमेशा कराची से रहेगा और कराची में कौन होता है, हामिद, कराची से हामिद है, हामिद हमेशा लेन 3 में रहेगा। 1 और 2 में लेन, कंडीशन 1 के मुताबिक लेन 1 और 2 में इमरान और माजिद रहेंगे, तो यहां पे लिख देते हैं इमरान और माजिद, लेकिन जरूरी नहीं है कि इमरान पहले आए माजिद बाद में, माजिद पहले भी आ सकता है, तो एक और अरेंजमेंट भी बन सकती है। तो ये देखें इमरान और हामिद जो है वो इधर ही रहेगा क्योंकि हामिद ने हमेशा लेन 3 में रहना है। बाकी हमारे पास बचे गौहर और फेरोज,
तो गौहर को इधर एक बार रख दें और फेरोज को एक बार इधर रख दें, या फेरोज इधर भी आ सकता है और गौहर इधर भी आ सकता है। अब ये वाली जो अरेंजमेंट्स हैं ये इन कंडीशंस के बिल्कुल मुताबिक हैं। देखें पहली कंडीशन क्या है कि इमरान और माजिद पहली दो रोज में हों, इमरान और माजिद पहली दो रोज में हैं दोनों कंडीशंस में। सेकंड के मुताबिक थर्ड जो है वो इस्लामाबाद से हो, इस्लामाबाद से हामिद है वो थर्ड में है। कराची से जो है वो जो नी ब्रेस है वो नहीं पहनते दो लोग, ये रेलिवेंट ही नहीं है। ठीक है, हामिद जो है वो गौहर और फेरोज से पहले आना चाहिए। देखें हामिद जो है वो गौहर और फेरोज, गौहर और फेरोज से पहले आया हुआ है। कराची से माजिद और फेरोज नहीं है, तो ये कंडीशन भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। अब हमने पॉसिबल कंडीशन लगा ली, अब हम देखेंगे अपना आंसर। गौहर रन्स इन लेन वन, देखें लेन वन में गौहर आ सकता है नहीं आ सकता, गौहर तो लेन वन में आ ही नहीं सकता क्योंकि लेन वन में इमरान और माजिद में से एक को होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हामिद रन्स इन लेन टू, देखें हामिद जो है वो लेन टू में आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि टू में इमरान और माजिद को होना चाहिए और हामिद को तो थ्री में होना चाहिए, तो लेन टू में हामिद नहीं आ सकता। सी में क्या है कि इमरान रन्स इन लेन थ्री, इमरान क्या लेन थ्री में आ सकता है, थ्री में तो नहीं आ सकता क्योंकि इमरान ने पहली या दूसरी लेन में होना चाहिए इमरान को फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक, तो थ्री में तो इमरान आ नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। माजिद रन्स इन लेन फाइव, के माजिद जो है वो लेन फाइव में जो है वो रन कर रहा है। देखिए माजिद जो है वो क्या लेन फाइव में आ सकता है, माजिद लेन फाइव में नहीं आ सकता क्योंकि माजिद को पहली या दूसरी लेन में होना चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फेरोज रन्स इन लेन फाइव, फेरोज जो है वो लेन फाइव में कर रहा है, तो ये देखें फेरोज जो है वो लेन फाइव में हो सकता है, पॉसिबल चांसेस हैं कि इस अरेंजमेंट के मुताबिक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, वो ऑप्शन ई ठीक है क्योंकि बाकी के चार गलत हैं और फेरोज लेन फाइव में दौड़ सकता है, तो हमारा ऑप्शन ई आंसर है। ओके, वी आर हैविंग आवर थर्ड एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू की स्टेटमेंट क्या है, इफ द रनर इन लेन वन इज फ्रॉम कराची, अगर लेन वन में जो रनर है वो कराची से है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, तो बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कराची से कौन से रनर हैं। पिछले एमसीक्यू में जो फर्स्ट एमसीक्यू था उससे हमें पता चला था कि हामिद इस्लामाबाद से है और अब हमने जाना है कि कराची से कौन से हैं। तो देखिए कराची से रिलेटेड कौन सी हमारे पास कंडीशन है, कराची से रिलेटेड ये है कंडीशन थ्री है कि दो लोग हैं लेकिन नीबरास है, लेकिन कुछ नहीं पता कि कौन से लोग कराची से हैं। और कराची से रिलेटेड कंडीशन नंबर फाइव है कि माजिद और फेरोज कराची से नहीं हैं। ठीक है, एक तो हामिद भी कराची से नहीं है, तो माजिद भी कराची से नहीं है और फेरोज भी कराची से नहीं है, बाकी बच्चे गौहर और इमरान, देखें माजिद और फेरोज कराची से नहीं है, तो बाकी गौहर भी कराची से है और इमरान भी कराची से है, तो बाकी क्या कितने, देखें दो जो हैं वो कराची से हैं, एक इस्लामाबाद से है और दो लाहौर से हैं। अब जो दो बच्चे हैं वो लाहौर से हैं, जो फेरोज है वो भी लाहौर से है और जो माजिद है वो भी लाहौर से है। अब हमें पता चल गया कि कराची से कौन से लोग हैं, गौहर और इमरान, तो इस और ऑप्शन क्या है, फेरोज रन इन लेन नंबर वन हायर देन इमरान, हामिद रन्स इन अ लेन नंबर वन हायर देन फेरोज। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो सारे हैं वो इनसे एक रो नंबर जो है वो हायर हैं, सिर्फ एक रो नंबर हायर है, तो बताएं कौन सा ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें अरेंजमेंट लगाने की जरूरत होती है, तो अरेंजमेंट कैसे लगाएंगे, हमारे पास लेन्स हैं वन टू थ्री फोर और फाइव। अब हमें कंडीशन के मुताबिक पता है कि थर्ड में हमेशा इस्लामाबाद से आएगा, इस्लामाबाद वाला कौन है, हामिद है, तो हामिद को हम यहाँ पे रख लेते हैं, हामिद कहाँ पे है, थर्ड रो में। अब क्वेश्चन में बता रहा है कि फर्स्ट रो में जो रनर है वो कराची से है, फर्स्ट ट्रैक में, तो देखें कराची से कौन कौन है, कराची से गौहर और इमरान है और इनसे रिलेटेड गौहर
और इमरान, इमरान देखें लेन फर्स्ट या सेकंड में आना चाहिए, तो गौहर क्योंकि कराची से है और वो फर्स्ट रो में नहीं आ सकता क्योंकि इमरान और माजिद ने आना है, तो इस तरह पहली जो ट्रैक है उसमें कौन आएगा, इमरान, क्योंकि वो कराची से है, तो हमने इमरान को रख दिया, ये हामिद है और ये इमरान है। अब क्योंकि पहली कंडीशन के मुताबिक कि इमरान और माजिद पहली और दूसरी पोजीशन पे आए, इमरान को हम क्योंकि रख चुके हैं क्योंकि उसने बताया कि कराची से जो है वो जो रनर है वो फर्स्ट लेन में आना चाहिए, तो इसी तरह माजिद जो है वो सेकंड में आ जाएगा। बाकी बच्चे हमारे पास गौहर और दूसरा हमारे पास फेरोज बचे। अब गौहर यहाँ पे भी हो सकता है और फेरोज यहाँ पे हो सकता है, या फिर फेरोज यहाँ पे हो सकता है और गौहर यहाँ पे हो सकता है, तो ये पॉसिबल कंडीशंस बन गई हमारे पास। अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। फेरोज रन्स इन अ लेन नंबर वन हायर देन इमरान, के फेरोज इमरान से एक रो हायर है। देखिए फेरोज इमरान से क्या एक रो हायर है, नहीं, बल्कि एक दो तीन जो रोज हैं वो हायर है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। हामिद रन्स इन अ लेन नंबर वन हायर देन फेरोज, कि हामिद फेरोज से एक लेन जो है वो हायर है। देखिए हामिद फेरोज से एक लेन हायर हो सकता है, नहीं, बल्कि लोअर है, हायर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फोर कंडीशन के मुताबिक हामिद को पहले आना चाहिए, पहले आएगा तो वो लोअर होगा, तो हामिद तो लोअर है, फेरोज जबकि हायर पोजीशन पे है, इधर है, चार पे है और पांच पे है, जबकि हामिद तीन पे है, तो हमने इसको भी काट दिया। इमरान रन्स अ लेन नंबर वन हायर देन माजिद, क्या इमरान जो है वो माजिद से एक लेन हायर है, इमरान माजिद से एक लेन हायर है, नहीं, हायर तो इस साइड पे है और ये तो बल्कि लोअर है, इमरान माजिद से एक लेन लोअर है जबकि वो हमें कह रहा है कि एक लेन हायर है, तो इमरान वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। हामिद रन्स अ लेन नंबर वन हायर देन इमरान, के हामिद जो है वो इमरान से एक लेन हायर है। हामिद क्या एक लेन हायर है, नहीं, हायर तो है लेकिन एक लेन हायर नहीं है बल्कि दो लेन्स हायर है, ठीक है, ये दूसरी प्लेस पे है, एक लेन हायर तब होता जब हामिद यहां पे होता, ठीक है, तो ये एक लेन हायर नहीं है बल्कि दो लेन्स हायर है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन ई है हमारे पास, हामिद, ऑप्शन ई देखिए हमारा, हामिद रन्स वन लेन हायर देन माजिद, देखिए हामिद रन्स वन लेन हायर देन माजिद, के माजिद से हामिद एक लेन हायर है, तो बिल्कुल ऐसे ही है, एक लेन हायर है, ये देखिए एक लेन हायर है, ये दो में है तो ये तीन में है, तो एक लेन का फर्क हुआ तो ये हायर है, तो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन ई। लेट्स हैव एन अदर एमसीक्यू। ओके, वी आर हैविंग आवर फोर्थ एमसीक्यू क्या है, इफ अ रनर विद अ नी ब्रेस रन्स इन लेन वन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, तो इसमें हमने ढूंढना है जो सही नहीं हो सकता, मतलब एक हमने गलत ढूंढना है, बाकी सारे ठीक हो सकते हैं, सिर्फ एक जो है वो गलत होगा, वो नहीं हो सकता। तो फेरोज रन्स इन लेन फोर, गौहर रन्स इन लेन फाइव, यहां से पढ़ने से समझ आ गई कि हमने अरेंजमेंट लगानी है। A runner with a knee brace runs in lane 2, a runner with a knee brace runs in lane 4, a runner with a knee brace runs in lane 3. तो इनमें से बताएं कौन सा ठीक है, तो इसमें हमें क्या करने की जरूरत है, अरेंजमेंट लगाने की जरूरत है। तो अरेंजमेंट हम कैसे लगाएंगे, लेन 1, लेन 2, लेन 3, 4 और 5। लेन 3 में हमेशा कौन होता है, वो हामिद होता है, कंडीशन टू के मुताबिक, तो यहाँ पे आ गया हामिद, और फिर उसने क्या कहा है कि फर्स्ट जो लेन है, इफ अ रनर विद अ नी ब्रास रन्स इन लेन वन, तो बताएं इनमें से कौन सा ठीक नहीं हो सकता,
तो देखें नी ब्रेस के साथ कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते। हमारे पास जो कराची से लोग हैं वो नी ब्रेस जो है वो सॉरी जो कराची से हैं, जो दो लोग कराची से हैं वो नी ब्रेस नहीं पहनते। तो कराची से कौन से हैं? कराची से इमरान और गौहर हैं, ये नी ब्रेस नहीं पहनते। तो पहली और दूसरी पोजीशन पे इमरान और माजिद आएंगे। तो इसके मुताबिक इमरान तो फिर पहली पे नहीं आ सकता क्योंकि इमरान कराची से है और वो नी ब्रेस नहीं पहनता। तो इसने कहा है कि जिसके नी ब्रेस हो उसको लेन वन में होना चाहिए। तो लेन वन में फिर इस हिसाब से माजिद होगा क्योंकि माजिद जो है वो नी ब्रेस पहन सकता है। और इमरान कहाँ पे होगा? इमरान लेन टू में। ठीक है, अब क्वेश्चन के मुताबिक जो माजिद है उसने नी ब्रेस पहना हुआ है और इमरान क्योंकि कराची से है होना तो उसे पहली और दूसरी पोजीशन पे चाहिए लेकिन वो नी ब्रेस नहीं पहन सकता कंडीशन थ्री के मुताबिक। अब हमारे पास गौहर और फेरोज बचे। गौहर इधर भी हो सकता है और फेरोज इधर हो सकता है, फेरोज इधर भी हो सकता है और गौहर इधर भी हो सकता है। तो इसने भी तो जो हामिद है इसने तो नी ब्रेस पहनना ही पहनना होता है ना, उसने हमें ऑलरेडी बताया है कंडीशन टू में कि जो इस्लामाबाद से है वो हमेशा नी ब्रेस पहनता है। तो एक हामिद ने नी ब्रेस पहना हुआ है और एक माजिद ने नी ब्रेस पहना हुआ है। अब हम देख लेते हैं फेरोज रन्स इन लेन फोर। हमने देखे फिर से देख लें कि इनमें से सारे ठीक हो सकते हैं, सिर्फ एक ऐसा है जो कैन नॉट बी ट्रू, जो ठीक नहीं हो सकता। फेरोज रन्स इन लेन फोर, देखें फेरोज लेन फोर में हो सकता है, यस फेरोज लेन फोर में हो सकता है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमने ए को क्रॉस कर दिया। गौहर रन्स इन लेन फाइव, तो देखें लेन फाइव में गौहर हो सकता है, यस लेन फाइव में गौहर हो सकता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमने तो गलत ढूंढना है। अब हम अपना सी ऑप्शन देखते हैं। अ रनर विद अ नी ब्रेस रन्स इन लेन टू, कि लेन टू में जो रनर है वो नी ब्रेस उसने पहना हुआ है। तो देखिए जो लेन टू है उसमें कौन है? इमरान है और इमरान क्योंकि कराची से है और कराची वाले नी ब्रेस नहीं पहनते तो ये तो विदाउट नी ब्रेस है। और जबकि ये कह रहा है अ रनर विद अ नी ब्रेस रन्स इन लेन टू, तो इसके इसने तो नी ब्रेस पहना नहीं हुआ। तो हमारा ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, अगले देखें अ रनर विद अ नी ब्रेस रन्स इन लेन फोर, के फोर में यस गौहर और फेरोज नी ब्रेस इनके पास ऑप्शन है, पहन सकते हैं, ये ठीक है सही है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अ रनर विद अ नी ब्रेस रन्स इन लेन थ्री, के लेन थ्री में जो भाग रहा है वो नी ब्रेस पहने हुए है, जी हमें पता है हामिद जो है वो उसने नी ब्रेस पहना हुआ है, वो तो हमें कंडीशन टू से ही पता चल गया कि जो हामिद है उसने नी ब्रेस पहना हुआ है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमने ढूंढना ऐसा था जो गलत है। तो गलत कौन सा है? कि जो रनर अ रनर विद अ नी ब्रेस रन्स इन लेन टू, कि जो लेन टू में जो रनर भाग रहा है उसने नी ब्रेस पहना हुआ है, जबकि इमरान ने तो नी ब्रेस पहना ही नहीं हुआ क्योंकि इमरान कराची से है और जो कराची से लोग हैं उन्होंने नी ब्रेस नहीं पहना। तो ये हमारा ऑप्शन सी आंसर है। ओके, वी आर हैविंग आवर फिफ्थ एमसीक्यू। फिफ्थ एमसीक्यू की स्टेटमेंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से बताएं कौन सा ट्रू है। हामिद रन्स विदाउट अ नी ब्रेस, माजिद रन्स विदाउट अ नी ब्रेस, फेरोज रन्स विद नी ब्रेस, इमरान रन्स विद नी ब्रेस, गौहर रन्स विदाउट नी ब्रेस। तो बताएं इनमें से कौन सा जो है वो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे रनर्स हैं जो नी ब्रेस पहनते हैं और कौन से ऐसे हैं जो नी ब्रेस नहीं पहनते। तो हमारे पास टोटल फाइव रनर्स हैं, कौन से हैं? फेरोज है, फेरोज, गौहर, इमरान, फेरोज, गौहर, इमरान और कौन सा है? हामिद। और हमारे पास पांचवा है माजिद। अब कंडीशंस के मुताबिक जो हमें पता है कंडीशन टू के मुताबिक जो इस्लामाबाद से है, इस्लामाबाद से हामिद है, वो हमेशा जो है वो नी ब्रेस पहनेगा, हामिद जो है वो नी ब्रेस पहनता है। फिर कंडीशन थ्री के मुताबिक कराची से जो दो लोग हैं वो नी ब्रेस नहीं पहनते, ये रेड क्रॉस किया हुआ है। तो कराची से इमरान है, इमरान नी ब्रेस नहीं पहनता,
इमरान नी ब्रेस नहीं पहनता। और कौन है कराची से? कराची से गौहर है, गौहर नी ब्रेस नहीं पहनता। जबकि फेरोज के पास चांसेस हैं, वो पहन भी सकता है और नहीं भी, और माजिद के पास भी चांस है, वो पहन भी सकता है और नहीं भी पहन सकता। अब ये हमारे पास लिस्ट आ गई। अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। हामिद रन्स विदाउट नी ब्रेस, कि जो हामिद है वो नी ब्रेस के बगैर दौड़ता है, जबकि गलत है ये। हामिद हमेशा नी ब्रेस के साथ दौड़ेगा कंडीशन 3 के मुताबिक, सॉरी कंडीशन 2 के मुताबिक, कि जो इस्लामाबाद से होगा वो हमेशा पहनेगा। तो ये जो है वो हमारा जो है वो ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि वो जो है वो नी ब्रेस के साथ जो है वो रनिंग कर रहा है। माजिद रन्स विदाउट नी ब्रेस, कि जो माजिद है वो जो है वो नी ब्रेस के जो है वो बगैर जो है वो रनिंग कर रहा है। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा, हमें जब श्योर ही नहीं है कि माजिद जो है वो नी ब्रेस पहन रहा है या नहीं पहन रहा, आप में से कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि हमें श्योर ही नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमें तो वो देखना है जो बिल्कुल श्योर होगा। फेरोज रन्स विद नी ब्रेस, तो फेरोज नी ब्रेस, फेरोज के पास भी चांसेस हैं, वो पहन भी सकता है और नहीं भी पहन सकता, तो ये भी श्योर नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमने तो वो ढूंढना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कि इनमें से जो बिल्कुल ठीक है। ओके, इमरान रन्स विद नी ब्रेस, के इमरान जो है वो नी ब्रेस के साथ दौड़ रहा है, तो इमरान भी जो है वो नी ब्रेस के साथ नहीं दौड़ रहा, जो ये गलत बात कह रहा है। इमरान रन्स विद नी ब्रेस, जबकि इमरान नी ब्रेस के साथ नहीं दौड़ रहा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। गौहर रन्स विद आउट नी ब्रेस, देखिए गौहर रन्स विद आउट नी ब्रेस, तो ये बात ठीक है, तो ऑप्शन ई क्या हुआ? ऑप्शन ई हमारा आंसर है। ओके, वी आर हैविंग अवर सिक्स्थ एमसीक्यू। सिक्स्थ एमसीक्यू क्या है? इफ रनर्स वेयरिंग नी ब्रेस डू नॉट रन कंसेक्टिवली नंबर्ड लेन्स, कि अगर ऐसे रनर्स जो नी ब्रेस जिन्होंने पहना हुआ है, वेयरिंग नी ब्रेस, और वो कंजेक्टिव जो लेन्स हैं उसमें नहीं भागते, एंड रनर्स नॉट वेयरिंग नी ब्रेस, और ऐसे रनर्स जिन्होंने नी ब्रेस नहीं पहना हुआ, डू नॉट रन इन कंजेक्टिवली ऑर्डर्ड लेन्स, देन इन एग्जैक्टली हाउ मैनी डिस्टिंक्ट ऑर्डर्स कुड बी रनर्स बी असाइंड टू लेन्स। मैं आपको इसको इजी वर्डिंग में समझा देता हूं कि ऐसे रनर्स जिन्होंने नी ब्रेस पहना हुआ है वो कंजेक्टिव जो लेन्स हैं उनमें ना दौड़ें, और ऐसे जिन्होंने नहीं पहना हुआ वो भी कंजेक्टिव में ना दौड़ें। तो बताएं इस तरह इन कंडीशन में हम कितने ऑर्डर्स बना सकते हैं उन रनर्स को लेन्स में रखने के लिए। तो हम अपनी कंडीशंस के मुताबिक जो है वो क्या करेंगे, जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास लेन्स कितनी है? 5 है, 1, 2, 3, 4 and 5। 3 पे हमेशा कौन आता है? 3 पे इस्लामाबाद से आता है जिसने नी ब्रेस पहना होता है, और इस्लामाबाद से होता है हामिद, तो हामिद होता है, और हामिद ने क्या किया होता है? नी ब्रेस पहना होता है। अब क्योंकि कंजेक्टिव नहीं करना, ठीक है, अब कंजेक्टिव इसलिए नहीं करना, अगर हम 2 पे ऐसा रखेंगे जिसके पास ऑप्शन होगा वो नी ब्रेस पहन सकेगा, तो ये कंजेक्टिव हो जाएंगे। अब हमने दूसरे और चौथे नंबर पे ऐसे जो है वो रनर्स रखने हैं जिन्होंने नी ब्रेस ना पहना हो, तो जो ना पहनने वाले हैं वो कराची से लोग हैं, एक गौहर है और एक इमरान है। गौहर और इमरान नी ब्रेस उन्होंने नहीं पहनना, तो देखें इमरान को हम किस साइड पे रख सकते हैं? इमरान को फर्स्ट या सेकंड में रख सकते हैं, तो इमरान क्योंकि नहीं पहन सकता नी ब्रेस, तो इमरान को हम इधर रख देते हैं, और गौहर भी नहीं पहनता, तो गौहर को भी हम इधर रख देते हैं, गौहर भी नहीं पहनता। अब देखिए ये कंजेक्टिव नहीं हुए। बाकी हमारे पास बचे माजिद और फेरोज। माजिद को फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे, लेकिन माजिद जो इमरान है सेकंड में आ चुका है, तो माजिद फर्स्ट में आएगा। अब माजिद के पास ऑप्शन है, वो पहन भी सकता है और नहीं भी पहन सकता, अगर वो पहन सकता है तो वो कंजेक्टिव नहीं होगा। इसी तरह जो है वो जो फेरोज है उसके पास भी है कि वो पहन भी सकता है और
नहीं भी पहन सकता। ठीक है, तो जो पॉसिबल कंडीशन है वो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है और वो है ये, क्योंकि जो कंडीशंस के मुताबिक जो हमें इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हामिद ने नी ब्रेस जो है वो पहना हुआ है और इसके साथ हम जो है वो दो लोग ऐसे रखेंगे जिन्होंने नहीं पहना हुआ, तो ये कंडीशन हो गई। और माजिद को हमेशा इधर रहना पड़ेगा, माजिद और फेरोज की जगह हम आपस में चेंज नहीं कर सकते। तो इस सूरत में जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो सिर्फ एक ही ऑर्डर बन सकता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन के मुताबिक हमने इनको इस तरह से रखना है। ठीक है, और फिर माजिद और फेरोज की जगह भी आपस में चेंज नहीं हो सकती, तो सिर्फ पॉसिबल जो ऑर्डर है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। ओके, वी आर हैविंग आवर सेवंथ एमसीक्यू। सेवंथ एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, इफ अ रनर विद अ नी ब्रेस रन्स इन लेन टू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। कि अगर एक ऐसा रनर जिसने नी ब्रेस पहना हुआ है वो लेन टू में रनिंग करता है, तो बताएं इनमें से कौन सा जो है वो ठीक नहीं है या ठीक नहीं हो सकता। मींस के कुछ ऑप्शंस हैं वो ठीक हो सकते हैं, चार ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक ऐसा है जो ट्रू नहीं हो सकता। द रनर इन लेन वन इज फ्रॉम कराची, द रनर इन लेन फोर इज फ्रॉम कराची, द रनर इन लेन फाइव इज फ्रॉम कराची, द रनर इन लेन फाइव इज फ्रॉम लाहौर, एंड द रनर इन लेन वन इज फ्रॉम लाहौर। तो हमें अब लेन नंबर और जो सिटी है उसके हिसाब से क्या करनी है, अरेंजमेंट लगानी है। तो देखें हमारे पास फाइव लेन्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमें ऑलरेडी पता है कि हामिद जो है वो लेन 3 में होता है और वो इस्लामाबाद से होता है। अब क्वेश्चन में उसने बताया है कि जो लेन 2 है उसमें हमने एक ऐसा रनर रखना है जिसने नी ब्रेस पहना हुआ हो। ठीक है, तो लेन 2 में माजिद और इमरान में से कोई एक आएगा, लेकिन देखें कि माजिद और इमरान में से कौन सा ऐसा रनर है जो नी ब्रेस पहन सकता है या जो पहनता है। तो देखें इमरान क्या पहन सकता है, इमरान नहीं पहन सकता, क्योंकि इमरान जो है वो कराची से है, इमरान कराची से है तो इमरान नहीं पहन सकता। तो माजिद क्या है, माजिद पहन सकता है, माजिद लाहौर से है तो माजिद यहां पे आएगा, और माजिद कहां से है, माजिद लाहौर से है। अब देखिए माजिद अगर यहां पे आया है तो इमरान यहां पे आएगा, तो इमरान कहां से है, इमरान कराची से है। बाकी हमारे पास बचे गौहर और फेरोज। तो गौहर क्योंकि जो है वो कराची से है, देखें गौहर कराची से है तो कराची लेन 4 में कराची से भी बंदा हो सकता है, और जो लेन 5 है उसमें फेरोज जो है वो लाहौर से है तो लेन 5 में जो है वो 4 से हो सकता है। जबकि इनकी जगह आपस में चेंज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि फेरोज लेन 5 में हो, फेरोज लेन 4 में भी हो सकता है। तो फेरोज अगर लेन 4 में होगा तो वो लेन 4 में लाहौर का बंदा होगा, और इसी तरह गौहर अगर लेन 5 में होगा तो लेन 5 में कराची का बंदा होगा। अब ये एक वो पॉसिबल ऑर्डर है जो हमने सिटी वाइज लगा लिया। ठीक है, कि लेन 1 में हमेशा कराची वाला अब होगा, लेन 2 में लाहौर वाला, लेन 3 में इस्लामाबाद वाला, जबकि लेन 4 में कराची से भी हो सकता है और लाहौर से भी हो सकता है, लेन 5 में लाहौर से भी हो सकता है और कराची से भी हो सकता है। अब हम देखेंगे अपने ऑप्शंस। ऑप्शन अब हमने ढूंढना क्या है कि जो सच नहीं हो सकता। तो द रनर इन लेन 1 इज फ्रॉम कराची, कि 1 में जो है वो कराची से है, जी ट्रू है। हमने ढूंढना वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, कि जो ट्रू नहीं हो सकता। देखिए लेन 1 में कराची से कह रहा है तो ये ट्रू है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। हमने वो ढूंढना है जो गलत होगा। द रनर इन लेन 4 इज फ्रॉम कराची, रनर जो 4 है, जो लेन 4 है उसमें कराची से है, जी पॉसिबल है, कराची से हो सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। द रनर इन लेन 5 इज फ्रॉम कराची, जी कराची, लेन 5 में भी कराची से हो सकता है, पॉसिबल है,
ये हो सकता है, हमारा आंसर वो होगा जो पॉसिबल नहीं हो सकता, जो ट्रू नहीं है. द रनर इन लेन 5 इज फ्रॉम लाहौर. जी 5 में लाहौर से हो सकता है, ये भी हमारा आंसर नहीं है. द रनर इन लेन 1 इज फ्रॉम लाहौर. लेन 1 में लाहौर से है, ये वो बात गलत कह रहा है कि लेन 1 में तो कराची से है. और कराची से क्यों है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद बताया है कि लेन 2 में एक ऐसा आए जो जिसने नी ब्रेस पहना हुआ हो. तो नी ब्रेस क्योंकि इमरान तो पहन नहीं सकता और इमरान कराची से है, तो माजिद पहन सकता है, तो माजिद लाहौर से है. ठीक है, अब माजिद अगर इधर आया है तो इमरान को हमेशा इधर आना पड़ेगा. इमरान अब लेन 1 में है तो इमरान कराची से है, तो वो कह रहा है द रनर इन लेन 1 इज फ्रॉम लाहौर. तो ये वो झूठ बोल रहा है, तो हम ये सच नहीं हो सकता. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, तो ये सच नहीं हो सकता. तो हमारा ऑप्शन जो ई है वो आंसर है.